दोस्तों स्वागत है आपका द मैजिक ऑफ थिंकिंग विद सीजन 4 के आज के डे 16 के समरी वीडियो में। तो ये जो वर्कशॉप चल रहा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, अभी इसका सीजन 4 चल रहा है और इसे इन्वेंट किया है एंड अनुष्ठित कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह राठौर यानी कि बीएसआर सर। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मेरा प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 की हर दिन की समरी वीडियोज यहाँ पर मिल जाएंगी। मतलब 15 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक रोजाना आपको यहाँ पर 21 दिन की समरी वीडियोज मिलती जाएंगी। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कीजिए। तो दोस्तों मेरा नाम है मौसमी एंड चलिए हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे रूल को फॉलो करते हैं। तो वो रूल क्या है, याद है ना आपको? अगर याद है तो अभी शुरू हो जाइए। शेक योर बॉडी एंड से यस। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं, बहुत वक्त ऐसा होता है कि हमें वो चीज नहीं मिल पाती है। इसका और भी एक रीजन है, वही हम आज सीखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपका जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल तो लगेगा ही गाड़ी को चलाने के लिए, लेकिन उस गाड़ी को चालू होने के लिए पेट्रोल से जो एक स्पार्क होता है, पहले गाड़ी को एक स्पार्क मिलता है इंजन को, उसके बाद ही गाड़ी चालू होता है। तो जब वो स्पार्क नहीं मिलेगा, मतलब सोचिए अगर एक कार्बन का एक पतला सा लेयर भी वहां पर आ गया, मतलब आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसे ही ये मतलब एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जरूर से सीखना चाहिए ताकि आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपके जीवन में या फिर कर रहे हैं वो आपको मिले। तो आज हम सीखने वाले हैं प्यूरिफिकेशन के बारे में, मतलब साफ सफाई, क्लीनलीनेस, इन सब के बारे में। लेकिन सिर्फ झाड़ू पोछा जो होता है सिर्फ उसके बारे में नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पर हमें क्लीन करने की जरूरत है। तो हम उन सब जगहों के बारे में आज जानने वाले हैं कि कैसे उन सब चीजों को ठीक करके हम अपने जीवन में हम जो भी चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है क्लटर क्लियरिंग, मतलब आपके घर में जो भी कुछ एकदम पुराने हुए बेडशीट होते हैं या फिर प्लास्टिक रहते हैं बेड के नीचे घुसाए हुए, और भी बहुत सी चीजें जैसे कि ओल्ड क्लोथ्स हो गए, फटे पुराने पड़े रहते हैं कहीं पर, ओल्ड शूज हो गए, आपने सोचा अरे मैंने 4-5 हज़ार दे के इसे खरीदा है, अभी मैं नहीं इसे फेंक सकता, शायद कभी किसी को दूंगा तो इसलिए मैं रखा हूँ। तो दोस्त अभी वो जो शू है उसको आप किसी को दे दीजिए एंड अपना माइंड को क्लियर कीजिए, वो वाला फाइल को बंद कीजिए। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। एंड ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि आपके घर में अगर कोई नल से पानी टपक रहा है या फिर घर का जो दरवाजे का कुंडी होता है वो खराब हो गया है या फिर जो कवर्ड होता है वो अगर खराब हो गया, तो आप कोशिश कीजिए कि उसका तुरंत आप रिपेयर कर ले या फिर उसे घर से बाहर कर दे, क्योंकि यही जो चीज है यही आपके जीवन में थोड़ी 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 करके उन सब में क्या हो रहा है, नेगेटिव जो एनर्जी है वो जमती जा रही है एंड वही नेगेटिव एनर्जी आपके पूरे घर में फैलती जा रही है। इसलिए आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है जितना इफेक्टफुल होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो सब चीजें हैं ये अगर आप सुधार कर लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो तो है ही, और बाकी सब एनवायरनमेंट जो होगा आपके घर का, आपके रूम का, उससे आपको और भी ज्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और दोस्तों घर में कभी भी वॉल का जो कलर है वो हमेशा मतलब लाइट कलर रखेगा, कभी भी डार्क कलर, ब्लैक या फिर जो डार्क कलर होता है ना, ब्लू, पर्पल, मतलब इनमें भी लाइट डार्क तो होता ही, जो डार्क कलर्स होते हैं अगर आप घर में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो डार्क कलर्स कभी भी मत करवाइए। जिस कलर को देख के आपके मन को शांति मिलती है, आपको हैप्पी फील होता है, मतलब वो सही कलर है पॉजिटिव एनर्जी के लिए एंड आप उसी कलर को घर में करवाइए। इसके बाद और एक आता है, आप घर में घी का दिया जला सकते हैं, इससे नेगेटिविटी जो होता है वो मतलब पूरा दूर हो जाता है, इसलिए घर में घी का दिया अवश्य जलाएं। एंड और भी दोस्तों बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि सोचिए हमारे घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तब हम क्या करते हैं, जितने सारे भी नए बर्तन होते हैं, ग्लास होते हैं कांच के, प्लेट्स होते हैं, वो सब निकालते हैं उनके मेहमान नवाजी के लिए, लेकिन हम वो खुद नहीं यूज करते। हम तो घर में मतलब कैसे भी, मुझे तो तुम किसी में भी दे दो, मुझे तो किसी में भी चल जाएगा, मतलब ऐसा एक होता है, कोई कप का अगर कोनी थोड़ा सा टूट गया हो हम उसमें भी पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब हमें नहीं करना है। क्या होता है जब मेहमान आते हैं, जो बेडशीट होते हैं एकदम नए नए ब्रांड न्यू, एकदम क्लासिक रॉयल, वैसे हम बेडशीट बेड पर लगाते हैं, लेकिन बाकी टाइम क्या होता है, नॉर्मल, एकदम जो नॉर्मल बेडशीट होते हैं उसे ही हम यूज करते रहते हैं। ऐसे ही जब हम बाहर जाते हैं तब हम
नए क्लोथ्स का यूज करते हैं या फिर ओकेजनली हम अच्छे क्लोथ्स पहनते हैं, मतलब हमने अगर कभी भी अच्छे क्लोथ्स खरीदे तो हम ये सोच कर रख देते हैं कि ये वाला हमारा फेस्टिवल आने वाला है या फिर ये वाला ओकेजन आने वाला है, किसी का शादी है या फिर कुछ और है, फेस्टिवल है, उसके लिए हम रख देंगे, तब उसको पहनेंगे, इस फेस्टिवल के लिए ही ये ड्रेस है। एंड उसके बाद अब घर में नॉर्मल कपड़े पहनते रहते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी है जैसे कि एकदम नॉर्मल बहुत से क्लोथ्स कई बार छोटे एक जगह दो जगह फट भी गए तो तब आप उसे पहन लेते हैं ये सोच करके, ये तो मतलब आँख में नहीं आएगा कि ये फटा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ मेहमान आने से नए प्लेट्स, नए ग्लासेस, नए बेडशीट्स ये सब नहीं निकालना है, आपके खुद के लिए भी वो यूज़ करना है। आप सोचिए साल में कितने मेहमान आ जाते हैं आपके घर में, 5 से 10 शायद से, जी हाँ। तो बाकी के जो दिन है आप घर में क्या कर रहे, मतलब एक इतना नॉर्मल लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं, आपको खुद को ये फील होने लगता है कि मैं तो मतलब इसके लिए बनाई नहीं हूँ, मतलब आप डिजर्व भी नहीं करते, आपके माइंड में ये बैठ जाता है कि मैं तो ये डिजर्व भी नहीं करता हूँ, मेरा तो यही लेवल है। एंड उसके वजह से कहीं ना कहीं आपका जो प्रोग्रेस है वो रुका हुआ रहता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में मतलब वो एक शेड्यूल टाइप सा हो चुका है कि मेरा तो मतलब यही है जो है। ऐसे ही दोस्तों जब आप कुछ क्लोथ्स खरीदते हैं बाहर पहन के जाने के लिए या फिर ओकेजन में पहनने के लिए या फिर किसी के साथ मिलने जाने के लिए, तब आप उसको चेंज कर सकते हैं कि आप उस क्लोथ्स को घर में भी नॉर्मल डेज में भी पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों तब आपको फील होगा रियली में मैं बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप सोचिए आप जिस दिन जितने सारे भी क्लोथ्स पहनते हैं उनमें से अगर एक भी नया पहन लेते हैं तब आपको उस दिन मतलब कितनी ज़्यादा खुशी होती है, अरे ये तो मैं आज नया पहना हूँ, मतलब आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती रहती है, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों जो क्लोथ्स आपके पुराने हो गए हैं एंड बहुत ही पुराने हो गए हैं, थोड़े थोड़े से फट भी गए हैं, उसे आप प्लीज़ पहनना बंद कीजिए या फिर डोनेट कर दीजिए, कुछ तो कीजिए। एंड उसके बदले में क्या कीजिए, जो नए सारे क्लोथ्स हैं आप उसे पहन सकते हैं, या फिर आप अगर डेली नॉर्मली जो कपड़े पहनते हैं वो एकदम सही है, बहुत पुराने भी नहीं है एंड नॉर्मल है, तो आपके क्लोथ्स एकदम क्लीन होने चाहिए, नीट एंड क्लीन। आप सोचिए आप अगर किसी इंटरव्यू में जाएंगे तब आप अगर एक गंदा सा शर्ट पहन के जाएंगे तब क्या वो इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए क्लोथ्स आपको बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन पहनने हैं ताकि आपको खुद को ही फील हो कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। इसका मतलब क्या है, आपको जब फील हो रहा है कि मैं ज़्यादा डिजर्व कर रहा हूँ या फिर ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्रामिंग है धीरे धीरे चेंज होता जाता है एंड आपका जो फ्रीक्वेंसी है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे कि आपका अगर फ्रीक्वेंसी 20 है तो आपको 20 फ्रीक्वेंसी के चीज़ें ही मिलेंगे, लेकिन आपका माइंडसेट जब थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगा, तब आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज की चीज़ें मिलने लगेगी। जैसे कि दोस्तों एक ड्राइवर है, सोचिए जिसका डिज़ायर है कि उसका इनकम 1 लाख हो, लेकिन वो डिज़र्व करता है एज ए ड्राइवर 15,000 या फिर छोटे शहरों में तो और भी कम होता है 10-12 हज़ार। और उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब वो क्या डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। अगर उसकी डिज़ायर है कि मेरा इनकम 1 लाख हो तब उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, मतलब वो ड्राइविंग जब कर रहा है वो एकदम सही से सब कुछ कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। उसके बाद जिसका ड्राइवर है उसका ही बहुत सारा और भी छोटा छोटा हेल्प कर दिया, किसी क्लाइंट को कॉल कर लिया या फिर बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें वो हेल्प कर सकता है, ऐसे ऐसे करके जब वो हेल्प करता रहेगा, डेमोन्स्ट्रेट करता रहेगा खुद को, तब शायद वो सिर्फ ड्राइवर ना रहे, उसके बाद शायद वो पर्सनल असिस्टेंट भी बन जाए, तब उसका शायद सैलरी हो जाएगा 50,000 से 1 लाख तक हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके खुद को डेमोन्स्ट्रेट भी करना है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, मतलब मेरा जो डिजायर है मैं इसको डिजर्व करता हूँ। तो दोस्तों और एक बात, आपके घर में जो क्लोथ्स है उस क्लोथ्स को आपने अगर एकदम वैसे ही छोड़ दिया, सालों साल वैसे ही पड़ा हुआ है, आपने अगर 3 महीने तक उसे एकदम भी नहीं हिलाया या फिर साफ नहीं किया, तो 3 महीने के बाद क्या होता है उसमें नेगेटिव एनर्जी जमना शुरू हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको हर 1 महीने में 2 महीने में जब भी पॉसिबल हो आपको ज़रूर से अपने क्लोथ्स जो है उनको क्लियर करना है, क्लीन करना है एंड उसके बाद आपको फिर से उन्हें सेटअप करके रख देना है। ऐसे ही दोस्तों घर के जो मकड़े उकड़े जाले रहते हैं उनको साफ़ करते रहना है। आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी, जिस घर में ज़्यादा सफाई रहती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों अपने घर को साफ रखिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप जो अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपको वो नहीं मिल रहा है। आपने अगर ये सारे क्लटर क्लियरिंग किए तो आप अपने जीवन में जो भी चाहेंगे, ये एक छोटा सा वो जो कार्बन के लेयर है ना,
ये जम जाता है। ये जो चीज है क्लटर क्लियरिंग, इसे आप साफ कर सकते हैं एंड अपने जीवन में वो सब चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड हैप्पी एंड खुश रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्लटर क्लियरिंग है इसके टोटल 3 भाग है जो कि अभी डिस्कस हुआ। पहला जो है स्पेस प्यूरिफिकेशन, दूसरा जो है बॉडी प्यूरिफिकेशन एंड तीसरे नंबर पर आता है रिलेशनशिप प्यूरिफिकेशन। एंड ये जो रिलेशनशिप प्यूरिफिकेशन है ये अभी डिस्कस होने वाला है। सोचिए आपका किसी से अगर झगड़ा हो गया और आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जो रिलेटिव्स है और फ्रेंड्स है दोनों कॉमन है, मतलब आपके जो फ्रेंड्स है उसके भी फ्रेंड्स है, आपके जो रिलेटिव है उसके भी रिलेटिव्स है, तो क्या हो रहा है, आप जब अपने रिलेटिव से या फिर अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो उसके बारे में, मतलब आपका जो दोस्त है उसके बारे में बात हो रही है तो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। सेम सिचुएशन उसके साथ भी हो रहा है, उसके साथ भी जब कोई आपके बारे में बात कर रहा है तो उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो क्या करना है आपको, आप दोनों में से किसी एक को जाना है एंड उन्हें बोलना है सॉरी दोस्त मुझे माफ़ करो एंड जो भी हुआ उसे वही तक रहने देते हैं एंड हम लोग आज से दोस्त है एंड ऐसे करके अपना जो माइंड का आपका जो डायरी खुला हुआ था जिसमें आपका एनर्जी जो है कंज्यूम हो रहा था, मतलब आप भले ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो लेकिन वहाँ पर आपका एनर्जी जा रहा है कि मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ क्या हो गया, मतलब हर वक्त उसके बारे में कुछ ना कुछ तो एक आपका एनर्जी जो है लीक होता रहता था। तो आपको उस एनर्जी के लीकेज को बंद करना है एंड एनर्जी लीकेज को बंद करके वो जो एनर्जी आपका सेव होगा उसको आप कुछ नया काम में लगा सकते हैं। तो आप अगर सोचिए आप उनको सॉरी नहीं बोल पाए, आप सोचिए ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि आप उनको सॉरी बोले या फिर वैसा हो ही नहीं सकता। तो सेकंड जो आता है आपको एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन है वो करना पड़ेगा जिसका नाम है होपोनोपोनो। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बाद में बनाने वाले हैं जो कि यही सब मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन ये सब के रिलेटेड एक सीरीज चलने वाला है। तो आज मैं आपको ये शॉर्ट में बताती हूँ, मतलब आपको आँख बंद करना है, ठीक है, एकदम माइंड को शांत करना है, उसके बाद आपको उनको अपने सामने इमेजिन करना है जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ है एंड उसके बाद उनको बोलना है आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, और उनकी तरफ से जो रिएक्शन आएगा वो भी आपको ही सोचना है कि वो बोल रहे हैं एकदम कोई बात नहीं दोस्त सब ठीक है कोई बात नहीं एकदम मैंने तुझे माफ़ किया। उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू एंड उसके बाद आपको बोलना है आई लव यू एंड उनके तरफ से जो रिएक्शन आएगा वो आपको सोचना है कि वो भी आपको बोल रहे हैं आई लव यू एंड आप दोनों एक दूसरे के एकदम मतलब गले लग गए हैंडशेक हैंडशेक कर लिए। ऐसे आपको ये जो मेडिटेशन है ये करना पड़ेगा। ऐसी और भी बहुत सारी मेडिटेशंस है जिससे कि आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कॉम्प्लीशन, मतलब कोई भी काम को समाप्त करना। हमारे माइंड में क्या होता रहता है, सोचिए मैंने अगर सोचा कि मुझे आज ये काम करना है, मुझे आज कहीं पर जाना है या फिर मुझे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो शूट करना था लेकिन मैं आज नहीं कर पाई तो मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मैं कल करूँगी। तो अब मेरे माइंड में क्या हो रहा है कि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुझे रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड करना है। अब सोचिए अगर कल भी ना हो पाए उसके बाद मैं शायद परसों करूँगी एंड मेरा जो माइंड है उसमें लीकेज होता रहेगा कि मैंने ये वीडियो नहीं बनाया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो मेरा एनर्जी है वो लीक होता रहेगा। तो ये जो एनर्जी लीकेज है इससे आपको बचने के लिए आपको एसटीबी को अपनाना पड़ेगा। एसटीबी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक टाइम ब्लॉकिंग, मतलब आप एक डेट डाल दीजिए, उस डेट पर एक टाइम डाल दीजिए कि इस डेट के इस टाइम पर मैं इस काम को करूँगा। तो क्या होगा जब मैंने एक डेट डाल दिया तब उसके पहले तक मुझे और कोई भी मतलब मेरी जो एनर्जी है वो लीक नहीं होगी एंड मैं एकदम शांत रहूँगी, मेरा जो दूसरा काम है मैं उसमें फोकस कर पाऊँगी एंड मैंने जो डेट डाला है मैं उसी सेम डेट पर उस पर दोबारा सोचूंगी या फिर उसी डेट पर मैं उस काम को करूँगी। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ कॉम्प्लीशन, मतलब आप अगर कुछ भी काम को अधूरा छोड़ दे रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है एंड आपका एनर्जी जो है लीकेज होता जाता है होता जाता है, तो इससे आपको बचने के लिए एसटीबी को अपनाना पड़ेगा यानी कि सिस्टमेटिक टाइम ब्लॉकिंग को, इससे कि आपको बहुत सारा टाइम भी सेव होगा एंड एनर्जी भी सेव होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डे 16 का समरी वीडियो एंड कल आने वाला है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 का डे 17 का समरी वीडियो। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कीजिए एंड पिछले जो 15 वीडियोस है वो आप जरूर से देखें क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब उन वीडियोस को देखेंगे वो जो टॉक्स है उन्हें सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये रियली में कितना इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों
चलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले हमारे रूल को एक बार फॉलो करते हैं, शेक योर बॉडी एंड से यस। तो दोस्तों चलिए आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है एंड मिलते हैं कल के डे 17 के समरी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।